ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ। इस दौरान भाजपा का कहना सी कि प्रधानमंत्री पूरे देश का मान है अते उनां दी सुरक्षा च ये चूक सोची समझी रणनीति है। अज तक इतिहास विच अजिहा कदे नहीं होया अते ये सब पंजाब कांग्रेस की एक चाल सी। फिरोजपुर विच प्रधानमंत्री हजारा करोड़ा दी योजनावां दा आगाज करन वाले सी पर उनां नूं रस्ते विच ही रोक लिया गया। साबका प्रधान संजय टंडन ने कहा कि इस घटना की जिनी निंदा की जाए वो घट है। इस नूं लैके पंजाब कांग्रेस नूं अते खासकर पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं जवाब देना होगा अते आने वाले समय च जनता इसका मूंह तोड़ जवाब देगी। देखिए कल की जो घटना है, मुझे लगता है कि इसका जितने भी शब्दों में निंदा करी जाए उतना ही कम है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से सरकार का मिसयूज़ करके वहाँ पे बसों को रोकने का काम किया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे के तोड़ के लोग जो वहाँ पर आए वो कोई सरकारी मिलीभगत के बिना वो वहाँ पे नहीं आ सकते थे, और तीसरा जो अतिथि सत्कार के लिए पंजाब मशहूर है, पंजाबीयत मशहूर है, उसको तार तार करने का काम किया तो वो भी चन्नी की सरकार ने किया। खुद प्रधानमंत्री जी नू रिसीव करन लई ते मुख्यमंत्री पहुँचे नहीं, और रादर उना दी सुरक्षा दा प्रबंध भी नहीं ठीक कीता, लेकिन उना नू खतरे च पाउण दा काम जड़ा कीता। मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो कुताही हुई है उसका कल जीता जागता उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कार्रवाई की अगर बात होती है तो आप किस पे कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं चाहता हूं कि जो 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 कांग्रेस पार्टी है उसका जो मंसूबा है वो जनता के सामने जाहिर होना चाहिए। उस मंसूबे के राही ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी खतरे में डालने का जो काम किया है ये काम जनता के सामने आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कहां कहां बसें रोकी गई हैं हमने उसकी भी डिटेल दी है। उठी सबका सीनियर डिप्टी मेयर अति सबका काउंसलर हीरा नेगी ने भी कहा कि इस घटना की निंदा अज पूरा देश कर रहा है अते इस नूं लै के जवाबदेही तय होनी चाहिदी है अते जो लोग दोषी है इस दे लई उन्हां उत्ते कार्रवाई भी होनी चाहिदी है। कांग्रेस सरकार का जो मुखिया है उनका पुतला हमने जलाया, वो इसलिए जलाया कि 20 मिनट तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ पर उनको बाधित किया गया, और वो इतना खतरनाक रास्ता था, इतने वहाँ जिसको हम माफिया बोलते हैं माफिया का रास्ता वहाँ पर जहाँ पर उनकी गाड़ी रोकी गई, वो तो भगवान केदारनाथ जी का विशेष आभार है उनके ऊपर, उनकी छत्रछाया में वो वहाँ से बचकर निकल गए। जैसा कि उन्होंने बोला भी एयरपोर्ट पे कि चन्नी को बोलना कि मैं यहाँ से बचकर निकल गया हूँ, और कितनी बड़ी घटना वहाँ पर हुई जिसके खिलाफ़ आज हम लोगों ने एकत्र यह रोष प्रदर्शन किया, और आने वाले समय में वहाँ पर कांग्रेस का जो हाल होगा वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए आज वो कहते हैं कि पुलिस को पता नहीं था, मोदी जी ने बाई एयर जाना था और आज वो बाय रोड गए। ऐसा नहीं हो सकता, देश के प्रधानमंत्री वो किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री क्यों न हो, उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है बहुत बड़ी चूक है, इसका खामियाजा कहीं नहीं कि कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनावों में। दस दिन कि बीते दिन ही पंजाब दौरे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे सी जो कई नवे आगाज करन जा रही सी, पर उना दी सुरक्षा दे चलदे पंजाब सरकार ते भाजपा लीडरां ने इल्जाम लगाए हन। जगवान टीवी लई भगवत सिंह दी रिपोर्ट।